हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो प्ले किया है तो आप लोगों के मन में यूट्यूबर बनने का ख्वाहिश जागा होगा, क्योंकि अगर लोग अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें संपूर्ण ज्ञान बताएंगे हम आप लोगों को कि क्या क्या ज़रूरत होती है यूट्यूबर बनने के लिए, क्या क्या सीख जानना ज़रूरी होता है। इसको आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को एक शेयर जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप लोग को सबसे पहले होगा कि आप लोग एक चैनल क्रिएट कीजिए। आप लोगों को चैनल क्रिएट करते समय एक बात का ध्यान देना होगा कि जब भी आप चैनल क्रिएट करेंगे तो उसका पासवर्ड जो है आप लोग लिख के रख लेंगे, क्योंकि अगर उसका पासवर्ड आप लोग दोस्तों खो देंगे तो आपका वो चैनल बेकार हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड अगर कहीं से भी चैनल कहीं से भी फॉरवर्ड हो गया या फिर डिलीट हो गया तो आप पासवर्ड से फिर दोबारा वो चैनल लॉगिन कर लेंगे, आपको को भविष्य में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब आप चैनल लॉगिन कर लेंगे, चैनल को क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद एक दिन दो दिन चैनल को छोड़ दीजिए ताकि तत्काल वीडियो कभी अपलोड नहीं करना चाहिए। चैनल बनाने के बाद एक दिन दो दिन तीन दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है जब आप उसको क्रिएट करने के बाद वीडियो फिर अपना एक नीच सेलेक्ट कीजिए कि इस नीच पे हमको वीडियो बनाना है। जब उसको भी आप 100% क्लियर कर लीजिएगा कि आपको किस नीच पे वीडियो बनाना है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ वीडियो डाल दिए, नहीं, आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उससे पहले भी आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि यूट्यूब के बारे में कम से कम नहीं तो 50% जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि वीडियो कैसे क्रिएट करना है, वीडियो कैसे अपलोड करना है, वीडियो को कैसे किस तरह से अपलोड करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, वीडियो को वायरल कैसे कराना है, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे तो चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है। एक एक प्रोसेस दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रख लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोग आगे बढ़ेंगे, जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो अपलोड करते समय आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वीडियो सदैव अनलिस्टेड में ही अपलोड होती है और बाद में एक दिन बाद, एक घंटे दो घंटे बाद वीडियो को पब्लिश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के वीडियो को तुरंत अपलोड करके पब्लिश किया जाए तो आपके चैनल को रीच नहीं भेज पाएगा, क्योंकि यूट्यूब समझ जाएगा कि ये नया बंदा है, इसके पास जानकारी नहीं है, इसलिए यूट्यूब चैनल को इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मतलब ये पब्लिश कर दिया तुरंत वीडियो। जब भी वीडियो तैयार किया जाता है दोस्तों, उस वीडियो को काइन मास्टर से या वीएन से किसी भी चीज़ से आप उसको पहले एडिट कीजिए। थोड़ा बहुत एडिट किया गया वीडियो यूट्यूब पकड़ लेता है कि एडिट किया गया वीडियो, इसको वायरल करना है, इसको इम्प्रेशन भेजना है। और दोस्तों जो भी कंटेंट आप बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, साल दो साल तीन साल के लिए आएंगे कि मतलब हमको इसमें हमेशा काम करना है, जीवन भर काम करना है, तब आप यूट्यूब पे आएंगे। ऐसा नहीं कि चार छः महीना एक साल काम किया और चला गया, तो ऐसा करना है आप लोगों को तो आप लोग वापस चले जाइए। अगर ऐसा नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में काम करना है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो पर बने रहिए, तब आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला दोस्तों। दूसरा काम यह है कि कोई भी अच्छा से अच्छा वीडियो किसी और का देख करके उसको एडिट करके अपने चैनल पर डालने की कोशिश ना करें। कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि वीडियो को एडिट कर देते हैं, सोचते हैं कि कम इसको जो है यूट्यूब नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन यूट्यूब के पास दोस्तों बहुत सारा दिमाग है। यूट्यूब तो पॉइंट सा गलती पकड़ लेता है, कंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है, वार्निंग स्ट्राइक दे देता है, एज रिट्रैक्शन दे देता है, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, पता नहीं क्या क्या आपके वीडियो को कर देगा कि आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा, टेक डाउन कर देगा। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करने के पहले उसका टाइम होना चाहिए। अगर लॉन्ग वीडियो क्रिएट करते हैं तो कम से कम 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इससे कम का वीडियो नहीं होना चाहिए। 2 मिनट, 3 मिनट का वीडियो यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। अगर कहीं से भी आपका वीडियो थोड़ा बहुत चल भी गया तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि उससे वॉच टाइम ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगे आप लोग। और आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप लोग ज़्यादातर फेस वर्क वीडियो बनाएं। फेस वर्क वीडियो का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आप अपने चेहरे को लेकर कोई खुद स्वयं कोई वीडियो बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको लोग पहचानेंगे, आपका वीडियो फिर कभी भी भविष्य में क्लिक किया जा सकता है। जब आपको कोई पहचानेगा ही नहीं तो आपका वीडियो कैसे क्लिक किया जाएगा। तीसरी बात यह है दोस्तों कि कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि हाँ ये कंटेंट अच्छा लगा या फिर ब्लॉग का ही है तो गांव के पोखरे पे या फिर रेलवे पे या फिर कहीं भी जा करके छोटे मोटे जगह पे जाके एक छोटा सा वीडियो बना लिया, अपलोड मार दिया,
ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक नीश सेट करना है, जाना है तो दूर दूर स्थान पे, एक बहुत ही फेमस प्लेस पे जाना है ताकि वो वीडियो आपका सर्चेबल टॉपिक हो, तब वीडियो सर्च किया जाएगा और वीडियो आपका सर्च में आएगा, उस वीडियो को देखा जाएगा तो उस वीडियो से आपको वॉच टाइम इंक्रीज होगा, तब आपका 4000 आवर पूरा होगा। ऐसा तो नहीं है कि चाहे जहाँ से वीडियो बना के उठा के डाल दिया और सर्चेबल टॉपिक बन गया, ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। और कहने की बात यह है कि 2 साल से हमारा एक्सपीरियंस है दोस्तों कि कभी भी वीडियो अपलोड करने के बाद आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग वही वीडियो डिलीट करेंगे, वही वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको भविष्य में कभी डिलीट ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि वीडियो अपलोड मार दिया, वीडियो को डिलीट कर दिया तो आप बन गए यूट्यूबर, ऐसे यूट्यूबर नहीं बना जाता। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, आपका वीडियो चले या ना चले आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे तो यूट्यूब खुद जान जाएगा कि यह बंदा लंबे टाइम से मेहनत करना, इसका वीडियो को हमको बूस्ट देनी चाहिए, इंप्रेशन भेजनी चाहिए, वीडियो वायरल करानी चाहिए। जब आप सब्र करेंगे, लॉन्ग टाइम पे काम करेंगे, यूट्यूब खुद समझ जाएगा कि हाँ इस भाई ने इस बंदे ने बहुत मेहनत कर रहा है, इसका वीडियो वायरल करनी चाहिए, तब आपका वीडियो वायरल होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई शायरी का वीडियो बना लिया, कोई व्लॉग का वीडियो बना लिया, कोई डांस का वीडियो बना लिया, शादी पार्टी में गए, दुल्हन का हो गया कि दुल्हन अगर आ रही है घर में से बाहर आ रही है, बहुत लोगों को देखते हैं, उसका वीडियो बना कर दे, सब क्या है, सब फेक है, इससे क्या मतलब निकलने वाला, कुछ मतलब नहीं निकलने। आपको एक अपना नीच सेलेक्ट करना होगा कि जैसे हमको किसी भी तरह से जानकारी देना है, जैसे आपको टेक की जानकारी देना है या फिर किसी भी हर्बल की जानकारी देना है या फिर मेहंदी डिजाइन का जानकारी देना है या फिर कपड़ा सीने का जानकारी देना है या फिर बिल्डिंग मटेरियल का जानकारी देना है या फिर आपको सॉन्ग टाइटल का जानकारी देना है या फिर IPL से संबंधित जानकारी देना है, मैथ से संबंधित बहुत सारा, आपको टेक से या जैसे पढ़ाई से संबंधित जानकारी देना है, ऑटो व्हीकल से संबंधित जानकारी देना है, इंटरटेनमेंट देना है, कॉमेडी का वीडियो बनाना है, ये सब टॉपिक्स हैं सर्चेबल, इन पे आप वीडियो बनेंगे तो जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी वीडियो बना के अपलोड मारते रहे, अपना चेहरा दिखाकर अपलोड मारते रहे, ये कुछ नहीं होगा बाबू, इससे आप लोग खाली परेशान हो जाएंगे, चल नहीं पाएगा यूट्यूब चैनल, और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 4-6 महीना मेहनत करने के बाद वापस लौट जाएंगे, इससे हमको तकलीफ होगा क्योंकि आज 2 साल से हम भी चैनल चला रहे हैं दोस्तों, कई सारा चैनल जो हमको डिलीट करना पड़ा, वार्निंग स्ट्राइक आ गया, कंटेंट गाइडलाइन स्ट्राइक के थ्रू बहुत चैनल डिलीट भी हो गया, टेक डाउन हो गया, वीडियो डिलीट करने के कारण बहुत सारी गलतियों का सामना करना पड़ा। चूँकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग पेशेंस रख के एक वीडियो डालेंगे, उसको बार बार देख लेंगे कि ये वीडियो में कहीं कोई गलती नहीं है, ये वीडियो भविष्य में हमको डिलीट ना करना पड़े, इस वीडियो में भविष्य में कॉपीराइट ना आ जाए, जैसे इस समय कॉपीराइट को अपडेट करके, इसमें जानकारी हम अलग से दे रहे हैं, कॉपीराइट को अपडेट करके शॉर्ट पॉलिसी दे दिया गया है कि आपके शॉर्ट वीडियो पे जब कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है कि शॉर्ट पॉलिसी लिखा आ जाता है, तो आप लोगों को वहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, वो मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं करता। शॉर्ट पॉलिसी का मतलब ये हो जाता है कि आपने किसी कंपनी का छोटा सा म्यूजिक ले लिया है या फिर लोगो लगा दिया है तो उस वीडियो का रेवेन्यू जो होता है वो कंपनी को चला जाता है, लेकिन आपके चैनल पर कोई भी बैड इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों हम बता दें कि 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें मनोज भाई का वीडियो, टेक्निकल योगी का वीडियो, जितने भी टेक चैनल हैं उनको भी देखिए, हमारे वीडियो को भी देखिए, मैच कीजिए कि इसमें क्या क्या जानकारी आप लोगों को मिलती है, उस जानकारी के हिसाब से आप लोग यूट्यूब चैनल पे काम कीजिए। पर डे 1-2 वीडियो दीजिए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो दीजिए, ऐसा नहीं कि आज एक वीडियो दे दिया, 1 हफ्ता आराम कर लिया, आज 2 वीडियो दे दिया, 4 दिन आराम कर लिया, इसको कोई फायदा नहीं है। ऐसा अगर ना तो आपको वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब बच्चों का खेल नहीं है, ये सब खेल करने वाला एप्लीकेशन नहीं है कि ऐसे आए और वीडियो अपलोड करके चले गए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप लोग अकेले हैं, खुद का वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा कि हाँ हम अकेले हैं, हम कैसे, हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, लोग शर्म कर रहे हैं कि वीडियो हम कैसे बनाएं, तो कोई बात नहीं है, आपको अकेले ही वीडियो बनाना है तो आपके लिए एक प्लेस बता रहे हैं, बनारस चले जाइए, मणिकर्णिका घाट है, वहाँ से वीडियो अपलोड मारिए दोस्तों, बनारस का ब्लॉग कीजिए, हम भी बनारस का ब्लॉग करते हैं, वहाँ से मणिकर्णिका घाट का वीडियो अपलोड मारते हैं, चूँकि वीडियो सर्चेबल टॉपिक का है, रैंक करता है, चैनल पे कोई भी बैड इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है, वार्निंग स्ट्राइक तक नहीं देता है, तो आप लोगों को वहाँ चला जाना चाहिए। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से ट्रेन मिलती है दोस्तों, ज़्यादा किराया भी नहीं लगता है, और आपको चला जाना चाहिए, वहाँ से ब्लॉग कीजिए, आपका करीब 400-500 1000 वीडियो अपलोड मारेंगे, चैनल बूस्ट हो जाएगा, और ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से
काम करना होगा दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ कि हमको भी यूट्यूबर बनना है और वीडियो सही तरीके से अपलोड मारना है, तब आप जाकर के यूट्यूब चैनल खोलें। नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करना है दोस्तों, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे आप लोग को समझने की बात यह है, आप लोग जो भी चैनल क्रिएट करते हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियो अपलोड मारते हैं, आपका वीडियो 4,000-5,000 जाता भी है, 2,000-3,000 जाता है, आपने 100 वीडियो अपलोड मार दी दोस्तों, हर वीडियो जो है हर वीडियो 5,000-5,000 गया है, तो उसको मान के चलिए कि 5 लाख आपके व्यूवर हो गए, 5 लाख व्यूवर हो गए, लेकिन आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं और आपने फिर बाद में क्या किया, चैनल डिलीट कर दिया। तो उससे यूट्यूब का जो अर्न होता है दोस्तों, वो बड़े यूट्यूबर को भेज देता है। अगर उनका रेवेन्यू कम से कम बनना चाहिए तो वही आपका रेवेन्यू उनके में जाके डाल देता है, आपका मेहनत कमाई कोई और कर लेता है, तो इससे क्या फ़ायदा है, मेहनत आप करें कमाई कोई और करे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। आप लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए, तभी जो है बड़े बड़े यूट्यूबर जो है दोस्तों उनका रेवेन्यू अर्न देख लीजिए, वीडियो पे व्यूज कम रहेगा लेकिन डॉलर बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यों ऐसा होता है, कोई अपने घर से पैसा नहीं देता है, जब YouTube के पास ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो पर डे वीडियो अपलोड मारते हैं, वीडियो रैंक किया जाता है, लेकिन मोनेटाइजेशन की बात ही ख़त्म है। आखिर उस पर जो रेवेन्यू हो रही है, YouTube को जा रही है, वो किसको देता है, बड़े बड़े क्रिएटर को देता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि मतलब बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं वीडियो डाल करके पैसा कमा ले रहे हैं, छोटे छोटे क्रिएटर का पैसा उनके पास जाता है, यूट्यूब के पास जाता है, यूट्यूब उनको दे देता है, तब उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, ऐसा नहीं हो पाता। अगर आप लोग भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग खाली मेहनत करना है, मेहनत तो रियल में कोई और कर रहा है आप लोगों के लिए, मेहनत में तो छोटे यूट्यूबर करते हैं, बड़े यूट्यूबर ऊपर बैठ के मज़ा ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका भी अर्न, छोटे यूट्यूबर का भी रेवेन्यू जो होता है वो बड़े क्रिएटर में जोड़ दिया जाता है, तब उनका जो है इतना ज़्यादा रेवेन्यू बन जाता है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग फ्री में मेहनत करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए मत, वीडियो को फुल वॉच मत कीजिए, छोड़ के चले जाइए, क्योंकि फ्री में मेहनत करने से बढ़िया है कि कहीं पे आप और मेहनत कीजिए जिससे दो पैसा मिलेगा आपको, आपका परिवार चलेगा, लेकिन इस पे समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही हम मिलेंगे एक और भी अच्छे टॉपिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।